राइट गाइस, सो हम मुकेश को नहीं बचा पाए, अफसोस हम मुकेश को नहीं बचाए। सो हु इज मुकेश? सो ही इज मुकेश। देखो ये बेचारा एक लड़का था, मैं आपको पहले ये देख लो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हाल हो रखा है बेचारे का। तो शॉर्ट में समझ लो जल्दी जल्दी, एक लड़का था एक लड़की थी, ठीक है। लड़की ने उसको बुलाया रात के 12 बजे, 12 से 2 के बीच में, कि भी आ जाना रात को और हम मिलेंगे घर पे, ठीक है। लड़का चला गया, अभी लड़की के मैसेज भी दिखाऊंगा पढ़ लेना। तो लड़का चला गया बेचारा उसके घर। अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ उसके घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी अच्छे से, बेचारे के हाथ तोड़ दिए पैर तोड़ दिए। और ये मामला है गाँव का, गाँव में क्या होता है ऐसे ही निपटा देते हैं आपस में पीट पाट के, कुछ केस वेस नहीं करते। अगर मान लो लड़के वाले केस करेंगे भी ना, बॉय जो पिटा है वो केस करेगा भी, तो लड़की वाले काउंटर केस करेंगे भी 376 वगैरह और छेड़छाड़ का, ये घर में घुसा, हाउस लर्किंग वगैरह, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग, ये फलाना ढिकाना। तो वो मैटर सॉल्व हो जाता है आपस में समझौता करके कि भाई ना तुम करना ना हम करना, जो हो गया अपना निपटो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नुकसान किसका हुआ, जो अब समझने वाली बात है ना वो है ये। देखो नुकसान किसका हुआ, लड़के का, वो गया चूतिया गया, वो अब पिट गया, ठीक है, हाथ पैर तोड़वा लिए। जो इसके घर में सेविंग होगी ना, इसके माँ बाप ने जो सेविंग रखी होगी कभी माड़े टाइम के लिए या फिर होता ना जैसे टफ टाइम के लिए, अब वो इस चूतिया पे में लगाने पड़ेंगे। और फिर उसका टाइम गया, मान लो वो कुछ स्टडी कर रहा होगा या फिर कोई काम कर रहा होगा, वहाँ से गया, ठीक है। दूसरा, घर वाले परेशान होंगे, अब ठीक हो ना हो, जैसे पैर टूटा है, अब वो चाल आए ना आए, मान लो पहले नॉर्मल चलता था, अब उसको बैसा के लेके चलना पड़ रहा है या कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, अब मतलब 1-2 साल पीछे हो गया ना देखा जाए तो। लाइफ में बहुत तरक्की कर सकता था लेकिन लाइफ में 1-2 साल पीछे हो गया। जो इसके साथ के लोग होंगे वो आगे बढ़ेंगे, अभी इसी पचड़े में पड़ रहा होगा। फाइनेंशियली वीक, ठीक है, इमोशनली वीक हो गया देखा जाए तो, और फिजिकली वीक तो हो ही गया, पता नहीं ठीक होने में कितना टाइम लगे, और ठीक हो भी ना हो वो क्लियरिटी आए या ना आए। तो कहने का मतलब क्या, देखो मॉरल ऑफ द वीडियो यही है कि यार देखो कभी भी मतलब मत जाया करो ऐसे, अगर तुम्हें ज़्यादा शौक है ना जाने का तो ना टिप्स ले लिया करो एडवोकेट साहब से, ठीक है, टिप्स ले लिया करो किसी से भी, यार मेरे से नहीं किसी से भी, कि भाई ऐसे ऐसे बुला रहे हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जब एक बात हो यार, तुम कभी बाजार जाते हो, तुम कुछ भी खरीदते हो, 1000 बार तुम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखते हो भाई कैसी लेनी है क्या लेनी है, जब तुम इतना बड़ा कदम उठाते हो तब नहीं सोचते कि यार कुछ अनहोनी हो जाए तो अपना बैकअप लेके चले। वही है ना वो एक शायरी है ना, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। अब इस बंदे को मिल गया हादसा, अब ये समझ जाएगा बातों से तो कोई मानता नहीं है। तो भाई मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल, मत जाया करो। अगर जाना ही है तो ना प्राइवेट रूम्स होते हैं उनको बुक करो, वो भी लीगल वे में, लीगल वे में, और उसकी भी मतलब कंडीशन है बहुत सारी, तब जाके करा करो। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए और फिर बाद में पिट रहे हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। अब देखना इसकी कितनी तो बेइज्जती हुई होगी लड़के की, लड़की की तो चलो है ही है, और वो लड़की इतनी हरामी, उसने खुद बुलाया, उसको पिक्स भेज रही है, देखो पिक्स, देखो पिक्स भेज रही है उसको कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब होता ना जैसे प्राइवेट तो मैं चलो क्या भेजूँ, मैं जनरल भेज रहा हूँ, देखो पिक्स भेज रही है उसको, फिर उसको बुला रही है, इंड्यूस कर रही है कि तुम आओ ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी उसी को फंसा रही है कि इसने तो ज़बरदस्ती करी। तो देख रहे हो, कहने का मतलब ये कि तुम फंसते हो सालो तुम, वो तो निकल लेंगे अपने इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि उनको अपने घर वालों के हिसाब से चलना है, उनके घर वाले कहेंगे ना भैया ऐसा बोल तो वो बोल देंगे, अपने आप को बचाने के लिए इंसान करता है, ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? और तुम चूतियों की तरह लगे पड़े हो, अपना नुकसान करवा लिया, बताओ। तो यार सुधर जाओ, डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल, पहले अपने काम पे फोकस करो, ये बाद में आ जाएगी, ये लड़कियां बढ़ के जो भी हैं बाद में आ जाएंगी। और यार एक बात बताओ मुझे तुम, जनरली सबके लिए है, सबके लिए, ठीक है, हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं है मैं ये क्वेश्चन पूछूं तुम्हें, पर तुम यार एक बात बताओ, जनरली देखो शादी की एक उम्र होती है, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी जब तुम्हारा टाइम होगा ना, तुम्हारे घर वाले अपने आप शादी के लिए कर देंगे। उससे पहले तुम क्यों चुल्ल मचा रहे हो कि वो चाहिए ये चाहिए लड़की चाहिए वो चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसके लिए करो ना, सक्सेसफुल करो ना अपने आप को नेताजी, समझ रहे हो, सक्सेस के पीछे भागो ना, भागने के तो लड़कियां तो अपने आप आ जाएंगी, सक्सेस के पीछे तुम भाग नहीं रहे, जिस जो चीज़ अपने आप आ जाएगी उसके पीछे भाग रहे हो, और जो चीज़ करने से भी नहीं आती उसको तुम छोड़ रहे हो, यानी कि सक्सेस बहुत टफ चीज़ है ना, सक्सेस आती नहीं है भाई ऐसे इतनी जल्दी, ठीक है। तो सक्सेस के पीछे भागो, डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर।